नक्सली संगठन जेजेएमपी के दो बड़े नक्सलियों ने शुक्रवार को लातेहार पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। सरेंडर करने वाले नक्सलियों में जोनल कमांडर मनोहर परहिया और एरिया कमांडर दीपक भुइया उर्फ कुंदन जी शामिल हैं। जोनल कमांडर मनोहर पर सरकार ने 10 लाख रुपये का इनाम भी घोषित किया था। आत्मसमर्पण नीति के तहत इन लोगों ने अपना विश्वास व्यक्त किया और मनोहर परिया जो अम्बा टिकर का रहने वाला है छिपाद्वार थाने का, उसने एक अपने अन्य साथी दीपक भुइया के साथ लातेहार पुलिस के समय हमारी पूरी टीम सीआरपीएफ की पूरी टीम डीआई साहब मुख्यालय से आए हुए एसपी कमांडेंट साहब और जितने भी यहाँ बटालियन के लातेहार में जितने बटालियन के सारे सदस्यों के सामने इन लोगों ने आत्मसमर्पण किया है। निश्चित रूप से यह हमारे पुलिस के लिए, पुलिस प्रशासन के लिए अपने डीजी साहब के नेतृत्व में जिस तरह का हम लोगों का ऑपरेशन या नीति के अनुसार हम लोग कार्य कर रहे हैं, उस हिसाब से ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि अब चुनाव आने वाला है, चुनाव में आस्था जताने के लिए इन लोगों के द्वारा इस तरह का कार्य किया गया है। मैं पूरी लातेहार की टीम को इसके लिए बधाई देता हूँ। लोग जानते हैं कि लातेहार की जो पूरी टीम है सुरक्षा बल की, जिसमें सीआरपीएफ वगैरह और लातेहार पुलिस लगातार पिछले 2 साल से बड़े बड़े अभियान के माध्यम से हम लोग इस क्षेत्र को नक्सल मुक्त करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। इसी सिलसिले में मनोहर परहिया जो 10 लाख के इनामी हैं और जेजेएमपी के जोनल कमांडर, और ये अपने दस्ता के साथ जोबे अमुआटी का जो छिपा दोहर और क्षेत्र में लगातार सक्रिय थे, तो हमारी टीम के द्वारा, सीआरपी के द्वारा लगातार इनके परिवार वालों को कॉन्टैक्ट किया गया, उनको जो सरकार की पुनर्वास और आत्मसमर्पण नीति है उसके बारे में बताया गया, तो उससे कन्विंस होकर के और इन्होंने तय किया है कि मुख्य धारा में जुड़ेंगे। और साथ ही कुंदन भुइया भी एक इनके साथी रहा है जो कि एरिया कमांडर था, इन्हीं के दस्ता में था, तो इन दोनों ने आज आत्मसमर्पण किया है। आईजी सर और डीआईजी सर सीआरपीएफ हैं, सब लोगों के नेतृत्व में कार्रवाई हुआ है। तो इससे जो छिपा दोहर का क्षेत्र है जहां पर स्प्लिंटर्स ग्रुप काफ़ी समय से डोमिनेट कर रहे थे और कई तरह की गतिविधियों को भी कार्यरत थे ये लोग, तो अब उस एरिया में इनकी गतिविधि काफ़ी कम हो गई। इसके ऊपर अभी तक 13 कांड दर्ज हुए हैं और मनोहर परहिया, जैसे आप लोग को याद होगा कि करीब 2 साल पहले एक डिप्टी कमांडेंट शहीद भी हुए थे, तो उस टीम में भी ये लगातार पुराना है, जोनल है, उसमें सर्विस में रहा है। बेंदी में एक हमारा एनकाउंटर हुआ था जहाँ पर 3 जेजेएमपी के लोग मारे गए थे, तो उस दस्ता में भी था। हाँ, वो भी एक केस है। तो ऐसे अभी तक तो 13-14 केस हम लोग के संज्ञान में आया है, हो सकता है इसकी संख्या और बढ़े भी आने वाले समय में।